बुरहानपुर जिले में ताप्ती नदी के किनारे नेपाल से लाए गए 3.25 लाख रुद्राक्षों का जलाभिषेक और मंत्र जाप कर अभिमंत्रित किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार 12 जनवरी को भगवान शिव की बारात का आयोजन किया जाएगा, वहीं 19 फरवरी से रुद्राक्ष महोत्सव के रूप में रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम होगा। हमने नारा लगाया था, राम लला आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे, राम लला का हमने नेपाल से सभा कानपुर शिव भक्त मंडल की ओर से रुद्राक्ष अभिषेक का कार्यक्रम हो रहा है। मुख्य यजमान मनोज जी मार्गदर्शन आये और शिव भक्त मंडल की ओर से यह आयोजन हो रहा है। ये 7 दिवसीय आयोजन है, 12 तारीख से चालू होगा। अखंड ओम नमः शिवाय जाप, लघु रुद्र पार्थेश्वर पूजन एवं रुद्राक्षों में ओंकार मंत्र की प्राण प्रतिष्ठा। जैसे आप लोग देखते हैं कि टीवीओं में आता है कि फलाना अभिमंत्रित जो है मंत्र है ये इतने रुपए का, फलाना अभिमंत्रित रुद्राक्ष इतने रुपए का। बोले की बारात निकालने का कार्यक्रम अमित बारोटे जी द्वारा किया जाता है, इनकी टीम द्वारा किया जाता है और बहुत ही भव्य आयोजन होता है महाशिवरात्रि के दिन। कुछ वर्ष पूर्व रुद्राक्ष महाअभिषेक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया था, आज ये दूसरी बार ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और जैसा अमित जी ने बताया कि नेपाल से जहाँ अच्छी अच्छे रुद्राक्ष नेपाल में होते हैं, वहाँ से 3.25 लाख रुद्राक्ष यहाँ बुलाए हैं।